Hi friends, welcome to our YouTube channel Chalk and Duster. Today we will solve remaining questions of exercise 1.2. So first question, question number 4 is a pendulum of length 14 cm. A pendulum of length 14 cm oscillates through an angle of 18 degree. Find the length of its path. ठीक है, पेंडुलम जो है उसका लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 है. ठीक है, ये जो है पेंडुलम ऐसा ऑसिलेट करता है, यहां से यहां तक ऐसे ऐसे. तो ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ इट्स पाथ, ये हमें ढूंढना है. ठीक है, और उसका जो एंगल है थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, तो ये कितना है 18 डिग्री. हमें क्या निकालना है फिर, आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है. सो आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 18 डिग्री. अभी 18 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई अपॉन 180, विच इज इक्वल टू 18 ones are 18, 18 tens are 180. सो पाई अपॉन 10 रेडियन. ठीक है, अभी हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे. फॉर्मूला क्या है, s इक्वल टू r थीटा, r इज 14 और थीटा क्या है पाई बाय 10. सो 2 7s are 14, 2 5s are 10, आंसर क्या आएगा 7 pi upon 5 centimeter. ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ इट्स पाथ, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ पेंडुलम. इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एन एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स. व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ टू सर्कल्स. मतलब क्या है, दो सर्कल्स हैं, एक छोटा एक बड़ा ऐसा कुछ तो. ठीक है, वो जो दोनों सर्कल्स हैं वो जो है सेम आर्क, मतलब सेम लेंथ की आर्क जो है वो उनकी है. ये जो आर्क है वो सेम है. एक का जो डिग्री है मतलब एंगल 60 और दूसरे का 75 ऐसा है. फिर हमें उनका क्या निकालना है, रेडियस का मीन्स रेडाई का रेशियो निकालना है. सो हम कंसिडर करते हैं, लेट S1 and S2 be arcs of same length. ठीक है, let theta 1 and theta 2 be angle subtended by an arc S1 and S2 respectively. So theta 1 क्या आएगा, 60 degree equal to 60 into pi upon 180. इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, इज इट ओके? सो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 3 रेडियन, इज इट ओके? नाउ थीटा 2 इज 75 degree, 75 degree को कन्वर्ट करेंगे 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन. सो फाइव से डिवाइड करेंगे, 5 5 5 5 5 5 20 5 5 25, इधर 36 आ जाएगा, इज इट ओके? और फर्दर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6. So, 5 pi by 12 रेडियन. ठीक है, अभी S1 और इक्वल टू S2 हमें दिया है, टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ.
सो एस वन इक्वल टू एस टू आ गया, इसका मतलब आर वन थीटा वन इक्वल टू आर टू थीटा टू। ठीक है, आर वन हमें रेशो निकालना है, आर वन और आर टू हमें नहीं पता है, थीटा वन इज पाई बाय थ्री, आर टू नहीं पता है, थीटा टू फाइव पाई बाय ट्वेल्व, पाई पाई गेट कैंसिल, आर वन अपॉन आर टू, आर टू को हम इस तरफ लेके आए और थ्री को उधर लेके जाएंगे, थ्री इंटू फाइव अपॉन ट्वेल्व, थ्री वन जा थ्री, थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो क्या आ गया फाइव अपॉन फोर। सो आर वन इज टू आर टू इक्वल टू फाइव इज टू फोर, इज इट ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स इज द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर स्क्वेयर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर। हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, 25 पाई, इधर आएगा पाई आर स्क्वेयर, पाई पाई गेट कैंसिल, तो आर का वैल्यू क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल कितना है थीटा 144 डिग्री, तो इसको अभी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करते समय पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 12 से अगर डिवाइड करेंगे इधर 12 आ जाएगा, 12 वन जा 12, 12 फाइव जा 60, 3 से डिवाइड करेंगे 3 फोर जा 12, 3 फाइव जा 15, सो 4 पाई अपॉन 5 रेडियन, इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट वन, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब एस, एस इक्वल टू आर थीटा, आर इज 5 इंटू 4 पाई अपॉन 5, थीटा इज 4 पाई बाय 5, 5 5 गेट कैंसिल, 4 पाई सेंटीमीटर, ये क्या हो गया है आर्क लेंथ। अभी एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वेयर थीटा, हाफ आर स्क्वेयर थीटा, हाफ आर स्क्वेयर क्या आएगा, 5 का स्क्वेयर 25 और थीटा जो है 4 पाई बाय 5, 5 वन जा 5, 5 फाइव जा 25, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, सो व्हाट इज रिमेनिंग 10, 5 टू 2 10 और ये पाई, फिर क्या आएगा आंसर 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 10 पाई स्क्वेयर सेंटीमीटर, और यू कैन राइट सेंटीमीटर स्क्वेयर, बोथ आर सेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया, ये डॉटेड लाइन नहीं है, मीन्स फॉरगेट इट। ओ ए बी इज अ सेक्टर, दिस पार्ट इज सेक्टर हैविंग सेंटर ओ, ये जो है पूरा ये क्या है, सेक्टर है हैविंग सेंटर ओ, रेडियस 12 सेंटीमीटर है और ई मेजर एंगल ए ओ बी 45 डिग्री, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी मीन्स ए सेक्टर माइनस, मीन्स डिफरेंस निकालना है उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ट्रायंगल ए ओ बी मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इज इट ओके? नाउ लेट्स कैलकुलेट, हमें पहले क्या दिया है वो लिख लेते हैं, आर इज 12 सेंटीमीटर इज गिवन और फिर हमें थीटा दिया है 45 डिग्री, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 45 इंटू पाई अपॉन 180, इसका आंसर आता है पाई बाय 4 रेडियन। ओके, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ ए बी क्या आएगा, हाफ आर स्क्वेयर थीटा, हाफ 12 इंटू पाई बाय 4। ठीक है, 2 वन जा 2, 2 6 जा 12, 4 वन जा 4, 4 3 जा 12, सो यहां पर क्या आएगा 18 पाई स्क्वेयर सेंटीमीटर, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, इज इट ओके? हमें जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकालना है, सो हम उसे सेपरेटली यहां पर निकाल लेते हैं, इट इज नॉट विजिबल।
ऐसा है वो ट्राइंगल, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, दिस इज ओ ए बी, ये जो है वो सेम लेंथ से, ये हमें पता है। सो यहां से हम यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहां पर हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये 90 डिग्री है, ये कितना है 45, तो ये बचा हुआ कितना आएगा, ये भी 45 ही आएगा, ठीक है। और ये पूरा 12 है, ये भी 12 है, हमें क्या निकालना है, हाइट निकालना पड़ेगा। सो हम इसे डिनोट कर देते हैं सी से, ठीक है। तो हमें एसी निकालना है, सो इन ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी ए एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ओ ए सी इज 45 डिग्री, ठीक है। कैसे, एंड एंगल ओ सी ए इज 90 डिग्री, ये 90 है इसलिए ये 45 है, और ये बचा हुआ कितना आएगा, फिर 45 आएगा, इज इट ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ हमें क्या निकलना है, एसी निकलना है, सो एसी क्या आ जाएगा, एसी इज नथिंग बट हम साइन 45 ले लेते हैं, साइन 45 इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये अपोजिट साइड एसी है, हाइपोटेनस क्या है 12 है, इज इट ओके, सो एसी इक्वल टू 12 इंटू साइन 45 डिग्री, 12 साइन 45 कितना होता है 1/√2, सो ये क्या आ जाएगा 6√2 इज इट ओके। कैसे किया हमने, दोनों तरफ √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर नीचे 2 हो जाएगा, 2 6 12 और √2 एज इट इज, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है और नीचे 1, तो एसी क्या आ गया 6√2। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी निकालते हैं, बेस क्या है ओ बी, ओ बी इज 12 इंटू एसी, एसी इज 6√2, 2 1 2 6 12, सो यहां पर क्या आ गया 36√2, इज इट ओके, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अभी नाउ सब्ट्रैक्ट, हमें क्या निकलना है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू 18π − 36√2, 18 कॉमन ले लेंगे, π − 2√2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।